Welcome, you friend. In this video, we are going to discuss about disease of ginger that is soft rot. This disease is caused by Pythium aphanidermatum or Pythium vaccines or Pythium myriotylum. Coming to the symptom, the infection starts at the collar region of the pseudo stem and progress upward and downward the collar region of the affected pseudo stem become water soaked and rotting spread to rhizomes which result in soft rot at later stage it also infect the roots foliar symptom appear as light yellowing of the tip of lower lips which gradually spread to the leaf blade in early stage of disease

ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं जिसके कारण से रोटिंग होती है तो ये नीचे में राइजोम में और रूट्स में इन्फेक्शन करते हैं जिसके कारण से जो रूट का डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली रुक जाता है रूट और राइजोम में रोटिंग हो जाती है जिसके कारण से जो वाटर है और न्यूट्रिएंट है पौधे में ऊपर की तरफ नहीं जाता है जिसके कारण से जो ऊपर की पत्तियां हैं वो उसमें येलोविंग होती है और जो येलोविंग है वो पहले लोअर लिप से स्टार्ट होता है इसमें भी जो किनारे का एरिया है मार्जिन वो पहले येलो होता है और बाद में फिर पूरा प्लांट येलो होके मर जाता है कमिंग टू इटियोलॉजी द पिथियम बिलोंग टू लोअर फंगस मेस्टिको सब डिविज़न मेस्टिको द माइसिलियम इज़ branched hyaline septate or synositic Sporangiophore the Sporangiophores are simple and bear single sporangia this is Sporangiophore and this is sporangia the sporangia are globus without papillae. there is difference between sporangia of पिथियम एंड फाइटोप्थोरा दैट इज द पीथियम स्पोरेंजिया इज विदाउट पेपिली एंड फाइटोप्थोरा स्पोरेंजिया पेपिली, उस स्पोर्स आर स्फेरिकल एंड डबल थिक वर्ल्ड उस स्पोर्स इज सेक्सुअल स्पोर्स कमिंग टू डिजीज साइकल जो पैथोजन है वो उस पोर के फॉर्म में सॉइल में और क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहता है नेक्स्ट सीजन में जब क्रॉप लगाया जाता है तो ये जो उस पोर है वो जर्मिनेट होता है और प्लांट टिश्यू में इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है कॉलर रीजन से फिर ये पौधे में मल्टीप्लाई होता है पौधा मर जाता है पौधे में रोटिंग होती है और ये जो फंगस है पौधे में मल्टीप्लाई होता है बाद में ये स्पोरेंजियोफोर फोर बनाता है फिर स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया से जूस फोर बाहर आते हैं और फिर से ये इन्फेक्शन करते हैं तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल है सीजन के एंड में ये उस पोर बनाता है और फिर ये सर्वाइव करता है कमिंग टू एपिडम्योलॉजी यंग स्प्रॉट्स आर मोस्ट ससेप्टिबल टू पैथोजन Nematode infestation increase the rhizome rot severity, high temperature above 30 degrees centigrade, high soil moisture, and water logging conditions are the favorable for the disease development. Coming to the management of the disease, we should always adopt integrated disease management practice like treatment of the seed rhizome with 0.3% mencose for 30 minutes. Cultural practices. Such as selection of well-drained soil, selection of seed rhizome from disease-free field, drenching of chemicals like mancozeb 0.3% in the infected plant to check the spread of the disease. Hot water treatment of the seed rhizome in 51 degree centigrade hot water for 10 minutes. प्रॉप रोटेसन विथ नॉन होस्ट एंड यूज ऑफ बायोफ्यूमिगेंट लाइक मस्टर्ड थर्टी डेज बिफोर प्लांटिंग वी कैन यूज़ बायो कंट्रोल एजेंट्स लाइक ट्राइकोडर्मा बेसिलस सोडोमोनास टू सप्रेस द सॉयल बॉड पैथोजन इस डिजीज में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो होता है सीड ड्राइजोम ऐसे सीड्राइजोम जो कि कोई भी टाइप का सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें जो फंगस है वो प्रेजेंट है जिसके कारण से ये डिज़ीज़ आती है इसीलिए जो सीड ड्राइजोम है वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए और हमेशा हमें रिलायबल सोर्स से ही सीड्राइजोम कलेक्ट करना चाहिए इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद To download PDF files, please scan this QR code. Download link is also available in description of video. Please like and share the video and subscribe to my channel. To watch other videos, click the link.